इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बन रहा है? तेरी फेवरेट। अरे वाह, वैसे मम्मा आज से खाना आप नहीं बनाएंगी? खाना तो मैं ही बनाऊंगी, पर बहू मेरा साथ देगी। माँ जी दूध। अच्छा उसे वहीं रख दे। पर मम्मा इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? आज बहू खीर बनाएगी, पहली रसोई में खीर शुभ होता है। अच्छा, पर मम्मा भाभी है कहाँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं सो रही हूँ। नहीं बहू, इतनी देर तक सोएगी तो लोग क्या कहेंगे? 10 बज गए मैडम, उठ जाओ। तो भी अभी 10 बजे और तुम मुझे उठा रहे हो? सिर्फ 10? अरे नीचे जाके देखो कितनी तैयारियां हो रही हैं। पहले मैं अरेंज मैरिज के फेवर में बिल्कुल नहीं था। क्या? हाँ, मुझे लगता था जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसके साथ पूरी लाइफ बिताना कितना रिस्की हो सकता है। और अब तो ऐसा लगता है कि बिना रिस्क के लाइफ में कुछ है ही नहीं। मुझे ना आपको पहले ऐसे लगता। यस भैया। क्या है मोटी, दरवाजा लॉक करके नहीं आ सकती थी? आप दोनों भी तो दरवाजा लॉक कर सकते थे ना। कितनी बदतमीज है ये। अच्छा बेटा, अब अपने ही घर में दरवाजा लॉक करके रहो। हाँ तो घर में और लोग भी तो रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बता क्या काम है? वो भाभी के पापा है। क्या? मेरे पापा है? सुमित मेरे पापा है। अरे भाई साहब, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? भाई साहब, बेटी के घर आऊं और वो भी खाली हाथ, एक बाप होने के नाते इतना तो हक बनता है मेरा। अच्छा हुआ आप आ गए संधी जी, आज बहू की रसोई का पहला दिन है और आपके आशीर्वाद से उसकी गृहस्थी की शुरुआत हो जाएगी। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमारी प्रज्ञा ने तो कभी किचन का मोह ही नहीं देखा। यदि आपके यहाँ काम करने वालों की कमी है तो 2-4 लोगों को मैं भेज देता हूँ। ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे घर में ना काम करने वालों की कभी कमी थी ना भविष्य में होगी। आप तो हमारी बात का बुरा मान गए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कौन क्या बुरा मान गया? पापा। ओ बेटा, आजा आजा, कैसा है बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या पापा, आप आने वाले थे और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं तुझे बता देता ना तो तेरे गिफ्ट का मजा किरकिरा हो जाता। अब आप मजाक कर रहे हो ना। मजाक और तुझसे? नहीं बेटा, ये तो मैं तेरी शादी के वक्त देने वाला था, थोड़ा विदेश से मंगवाने में देर हो गई, ये रहा तेरा गिफ्ट। वाओ पापा। कैसी लगी? ये बहुत प्यारी है। थैंक यू पापा। चलो बेटा अब इसे चला कर देखते हैं। पापा ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई है। कोई अपनी बेटी को ऐसा गिफ्ट देता है क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं, मैं खुद सरप्राइज हूं। या वेरी गुड पापा। अब वो वाला? हाँ चलो चलो वो वाला। ये कैसी आवाज थी? खुद ही देख लो। क्या हो रहा है यहाँ पे? शोभे
देखो ना पापा मेरे लिए क्या लेकर आया, इसे चला कर देखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वहां मम्मी पापा खड़े हैं और तुम ये सब ड्रामा कर रही हो। बेटा इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं नाराज नहीं हो रहा पापा। शोभित मैंने पापा से मांगा था इसीलिए वो मेरे लिए लेकर आए। वाह वाह वाह, बड़ी सही चीज मांगी तुमने। तो ये भी कोई मांगने वाली चीज है? तो पापा जी आपको तो कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए किसी की कौन सी मांग पूरी करनी है कौन सी नहीं। शोभित तुम मेरे पापा के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो अब ऐसा क्या बोल दिया मैंने तुम्हारे पापा को? देखो बेटा, मुझे मालूम है कि तुम लोगों का परिवार कुछ अलग किस्म का है, लेकिन हमारी बेटी ऐसे ही माहौल में पली बड़ी है। अब इस बात के लिए तुम्हें अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन पापा जी मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा नहीं, हमारे परिवार को ऐसी आदत नहीं। शोभित बस बहुत हो गया, कोई मेरे पापा के साथ इतनी बदतमीजी से बात करे मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बस बस बस, आप लोग झगड़ना बंद करो। अरे तुम वहाँ बुत बनकर क्या खड़े हो, जमाई बाबू का गिफ्ट लेकर आओ। पापा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको एक ही बात कितनी बार बोलूं। अरे मैंने खुद अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, वो क्या है ना कि मुझे खुद का अपना कुछ काम करना है। मैंने दिल्ली में स्टार्टअप किया है, उसके चलते मैंने अपने पापा की हेल्प भी नहीं मांगी है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करूंगा? आओ प्रज्ञा, प्रज्ञा चलता हूं। प्रज्ञा तुम निकल यहां से, मेरे को भी निकल जाओ, निकल यहां से, निकल जाओ, निकल निकल जाओ, निकल जाओ। जरा गुस्सा किस बात पर? किस बात पर? आज तक मेरे पापा की बात किसी ने नहीं काटी। अरे मैंने उनकी बात काटी नहीं, मैंने सिर्फ अपनी बात कही है। तुमने मेरे पापा की बेइज्जती की है शोभित। अगर ऐसा है तो मुझसे जाके माफी मांग लेता। अब बात माफी की नहीं सिद्ध की है। तुम मेरे पापा का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो और ये फाइनल है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं उनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा। मतलब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं? तुम यार फालतू की जिद कर रही हो। मैं जिद कर रही हूँ? तुम अभी मेरे पापा के पास जाओगे और वो जो कह रहे हैं तुम्हें वही करना पड़ेगा। ऐसा है, जो तुम्हें करना है करो, जो सोचना सोचो। अब मैं वही करूंगा जो मैं नहीं करूंगा। पापा देखिए ना कितना झगड़ा हो रहा है इन दोनों के बीच में। भाभी ने तो सारे कमरे का सामान भी तोड़ दिया। इतना गुस्सा? अभी तो शादी को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई है ना? नहीं नहीं नहीं, वो इकलौती बेटी है, अपने बाप के साथ बहुत लाड़ प्यार में पली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बारे में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। बेटा बहू को बुलाओ। तुमने सुना नहीं पापा क्या कह रहे हैं? आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ बहू आओ। बैठो। देखो सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई है मैंने। भाभी खीर भी बनने वाली थी पर दूध तो गिर गया। चुपचाप खाना खाना, खीर किसी और दिन बन जाएगी। अरे हाँ याद आया, ये समधी जी तुम्हारे लिए छोड़ रहे थे। वो जो मैंने स्टार्टअप के लिए प्रपोजल दिया था उनका रिवर्ट आया, वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं।
हफ्ते 10 दिन का काम है, मिलके वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ। शोभित, तो तुम मेरे पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे? अरे यार, तुम्हारी सुई अभी भी यही अटकी हुई है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा। शोभित, तभी से बात करो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना। बहू, खाना तो खा के जा। अरे बेटा, हाँ बात आपकी नहीं पापा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि इस बात का पछतावा इन्हें पूरी जिंदगी पर रहेगा। जी पापा। बेटा, बहू नहीं आई? नहीं, और मैं पता नहीं क्यों मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। बेटा ऐसा नहीं कहते, बड़ी मुश्किलों से तूने ये मुकाम हासिल किया, जा अपनी डील फाइनल कर गया, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पापा, प्रज्ञा। बेटा, बहू की तुझे चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं, हम हैं ना यहाँ। वो सही कह रही है, जब तक तू लौट के आएगा ना, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। पापा खुश? पता नहीं, मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तुम भी बच्चों जैसी बातें करती हो। पापा, भैया गए? हाँ बेटा, तू जाओ भाभी को बुला के ला। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे पता नहीं क्यों, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, वो कितनी बदतमीजी कर रही है, और आप है कि उसे सर पे चढ़ाए जा रहे हैं। देख बेटा, वो दूसरे घर से आई, ये उसके लिए नया घर है, यहाँ की हर चीज उसके लिए नई है। देख, अपन सबका अपनापन ही तो उसको अपने परिवार का अंग बनाएगा ना, ठीक है ना? मैंने ठीक। भाभी, क्या कर रहे हो? आखिरी बार बोलूंगी मैं तुझे, आज के बाद मेरे कमरे में बिना नॉक किए बिल्कुल मत आना। भाभी, आप मुझसे इस तरीके से बात मत किया कीजिए, मैं कोई आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे इस तरीके से बात करे। भाभी, बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तुझे दर्द हो रहा है ना, तो इस दर्द को याद रखना, और आज के बाद मेरे कमरे में पांव तक नहीं रखना, समझी तू? भाभी, भैया के जाते ही आपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए ना। शोभित चला गया? हाँ, भैया चले गए, मगर आपको आपके गुस्से से फुर्सत मिले तब तो आपको पता चले। शोभित, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? मैंने मना किया था ना, मैं भाभी के पास नहीं जाऊंगी। बोलेगी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं भाभी के कमरे में गई। आज के बाद मेरे कमरे में पांव तक नहीं रखना। पापा, मैं भाभी से कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते, मैं जाके बहू से बात करूंगा। शोभित, तुमने ये सही नहीं किया, मेरे पापा का अपमान करके और मेरी बात ना मान के, अब इसका अंजाम सबको भुगतना होगा। इस घर में जितने भी नौकर जाकर है ना, उन सबकी छुट्टी कर लो। क्यों? जाए ना, कि माहौल देख रही हो ना, मैं चाहता हूँ कि घर की बातें घर के लोगों के सामने ही रहे तो ठीक है, ठीक है ना? कैसी हो बेटा? मुझे मालूम है कि तुम शोभित के फैसले से खुश नहीं हो, परेशान हो, पर बेटा ये गोलियां चलाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? हाँ,
अरे अरे रोना नहीं, रोना नहीं, देखो रोना नहीं बेटा। अब सुनो पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो जाता है। आप ही बताइए पापा जी, क्या कुछ मैं ज्यादा मांग रही थी शोभित से? से मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है पापा जी, बिल्कुल भी नहीं। शांत रहो बेटा, शांत रहो। और तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तेरे पिता जैसा। जी पापा जी। ये क्या कर रहे हो बेटा? पापा जी ये क्या कर रहे हैं आप? पापा जी मेरे मेरे पति यहाँ नहीं है तो आप मेरे कमरे में आ गए और आप मेरे साथ ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ससुर जी मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या करने जा रहे थे आप? बेटा तुम ये सब क्या कह रही? देखो बहुत गलत कह रही, तुमको पाप पड़ेगा पक्का। अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ ना तो अभी तुझे गोली मार सकती। तुझे पता है कोई मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि मैं तो सब कुछ आके यही कहने वाली हूँ कि मैंने अपने हवस की पुजारी ससुर जी की जान ले ली, और उसके बाद ना तेरे मरने के बाद पूरी दुनिया तुझ पे थूकेगी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। ए बुड्ढे, अगर अगले सेकंड में तू यहाँ से दफा नहीं हुआ ना तो मैं तुझे इतनी गोलियां मारूंगी, इतनी गोलियां मारूंगी कि दाह संस्कार करने के लिए तेरी लाश तक नहीं बचेगी। निकल यहां से, निकल। एक इंसान की शख्सियत को तराशने में बहुत लोगों का हाथ होता है, लेकिन खासकर माता पिता की परवरिश इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। ये शब्द जितना खूबसूरत है उसके साथ जुड़ती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, क्योंकि बचपन में बच्चों को जो परवरिश मिलती है वही तय करती है कि उनके बड़े होने के बाद उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। प्रज्ञा पर उसके पिता बृजेश राज का बचपन से प्रभाव था, जिसका असर आज की उसकी शख्सियत में भी दिखाई दे रहा था। बृजेश ने बचपन से प्रज्ञा की हर जिद पूरी की और प्रज्ञा को भी किसी भी बात पर ना सुनना मंजूर नहीं था। इसी वजह से शोभित की नान ने प्रज्ञा के अहंकार को भड़का दिया। उसके लिए ये नाम किसी बेइज्जती से कम नहीं था, और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्रज्ञा किस हद तक जाने वाली है इसका अनुमान उसे खुद भी नहीं था। मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताइए ना क्या हुआ? पापा, पापा बोलिए ना क्या बोला भाभी ने आपको? मेरी कसम है, बताइए क्या हुआ, बोलिए। जी पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा जी मेरे मेरे पति यहाँ नहीं है तो आप मेरे कमरे में आ गए और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप मेरे साथ? बहुत हो गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाके उससे बात कर। उसको माफ कर, मत जा। नहीं, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी, मैं अभी जाती हूँ। मम्मी, मम्मी। पापा, मैं आपको जो जो कहती चाहूँ आप बिल्कुल वैसे कीजिए। अब मैं जानती हूँ मुझे इस घर में क्या करना है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ ऊपर, नीचे तो आ रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई बहू? तुमने पापा जी के साथ इतनी ओछी बात करने की सोची कैसे? हाँ छी, मम्मी जी मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना मम्मी जी। ये कोई ना माफी मांगने वाली गलती नहीं है, तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया, और अगर शोभित यहाँ होता तो उसे बहुत तकलीफ होती, बहुत। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बचपन से ही ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता, गुस्से में ना पता नहीं
पता नहीं मुझे क्या हो जाता है मम्मी जी, मैं कुछ भी कहने लगती हूँ, कुछ भी करने लगती हूँ। मम्मी जी मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी इतनी बार तुझे समझाया मैं, इतनी बार एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती तुझे, समझ में नहीं आता आज मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी मुझे भाभी, भाभी छोड़ो मम्मी को, छोड़ो मुझे भाभी, मम्मी मम्मी समझा देना इस बुढ़िया को, आज के बाद मेरे रास्ते में कभी ना आए, समझी मम्मी? अरे भानु तुम यहां कैसे? पापा जी वो क्या है ना कि भानु मेरे साथ बचपन से रहा है साए की तरह, और इसके रहते मुझ पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। भानु आज के बाद तुम इसी घर में रहोगी हम लोगों के साथ। पापा आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, वो कितनी बदतमीजी कर रही है। बेटा अगर मैं उससे कुछ भी बात करूंगा तो घर की बात बाहर जाएगी, और जो इतने बरसों में मैंने इज्जत कमाई है ना वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। समधी जी के बारे में लोगों ने मुझसे पहले भी कहा था पर मैंने किसी की नहीं सुनी, और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बस बहुत हो गया, मैं भाई को फोन कर रही हूँ। नहीं बेटा अपने भैया को फोन मत करना, वो बहुत जरूरी काम से दिल्ली गया है, अगर तूने फोन किया ना तो वो काम को अधूरा छोड़ के वापस आ जाएगा, उसका बहुत नुकसान हो जाएगा बेटा। ठीक है। ये बदबू कहां से आ रही है? हाँ मुझे भी आ रही है। चल चल चल। मम्मी जी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? मम्मी मम्मी मौसी जी आइए, मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में, उसकी लाज रख लेना और सब ठीक है ना। ये सब मत करो बेटा, अगर हम लोगों से कोई गलती हुई है तो मैं सबकी तरफ से तुझे माफी मांग लेता हूँ, पर बेटा इसको रोक। शोभित मम्मी मम्मी मौसी जी आइए, बहू मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में, उसकी लाज रख लेना। शोभित अरे दीदी यार कैसी हो? खुश रहो खुश रहो। मैं तो ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ है? मेरे आने से कोई खुशी नहीं हुई क्या? नहीं ये कैसी बात कर रही हैं आप, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप आई। अरे वो क्या है कि शोभित की शादी में मैं नहीं आ सकी, हाँ
और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा मलाल है। क्या है ना, तेरे जीजा जी से तो मैं अभी भी नाराज हूँ। उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है। अब मैंने सोचा कि चलो मैं ही चलती हूँ, बहू की मुंह दिखाई भी कर लूंगी और कुछ दे भी दूंगी। वैसे शोभित कहाँ है? भैया दिल्ली गए। दिल्ली गए? अरे ये कोई बात हुई, नई नवेली बहू को छोड़कर दिल्ली गए? अरे मौसी जी, भैया को कुछ अर्जेंट काम था इसलिए जाना पड़ा। अच्छा चलो ठीक है, अब सारी बातें यहीं पे करनी है क्या? अरे आओ अंदर बैठ के बात करते हैं, और सब ठीक है ना? बहू यहाँ बैठी है? अरे वाह। और ये कौन है? ये दीदी, चलिए ना, आप थक गई होंगी, आराम करिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ, चलिए। अरे मैं आराम करने नहीं आई हूँ, मैं बहू के लिए आई हूँ, और बहू यहाँ बैठी हुई है। पहले बहू की मुंह दिखाई करूंगी और बहू के लिए कुछ लेकर आई हूँ वो दूंगी। बहू बेटा ये तेरे लिए ले। बहू ये? ए बुढ़िया उठ यहां से, सुनाई नहीं दे रहा तुझे, उठ यहां से। बहू इस सब क्या है? अरे ये ओ, ये तुम क्या कर रही हो? अरे 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 ये क्या कर रहा है बेटा? मैं क्या कर रही हूँ? ये तो आप सब लोग कर रहे हो ना। हम लोग बेटा, तेरे पापा जी ने दहेज में थोड़ी सी कमी क्या कर दी, आप लोग मुझे जलाकर मारने वाले हो? मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी ये सब तो आप लोग ही करवा रहे हो ना, आप लोग ही तो मुझे मजबूर कर रहे हैं। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर इस घर में हो क्या रहा। बेटा बहू तू जो कहेगी ना वो हम सब करेंगे, बस माफ कर दे बेटा, रख दे इसको। हाँ, इसको बुझा दे, इसको बुझा दे बेटा, इसको बुझा दे बेटा। पापा जी क्या हो गया आपको? शादी में तो कैसे आप घूम घूम के नाच रहे थे, अब क्या हो गया आपको? नाचो, सुनाई नहीं दे रहा, नाचो। तुम लोग भी नाचो। सज धज के जब पहने ली हम ड्रेस इकरिया, कह रुक जाना हमरा पे बब तोहर नजरिया। सज धज के जब पहने ली हम ड्रेस इकरिया, कह रुक जाना हमरा पे बब तोहर नजरिया। पीछे पीछे हमरा के आके करन समय बर्बादी, कजरा कतल करवाती, कजरा कतल करवाती, कजरा कतल करवाती, कजरा कतल करवाती। गलिया के ललिया मरनी के चलिया, जान हो गोली चलवा दी, कजरा कतल करवाती। मैंने कहा पहनिए इसे। तेरे जैसे कितने मैंने देखे, है अब भी वक्त संभल जा।
ऐसा हो मुझको प्यार दे रे बेबी जिंदगी ये मेरी तू सवार दे रे सुट्टा तेरे इश्क का फूंक लिया अब चाहे जो खुमारी वो उतार दे रे ये है उम्र हाँ सिंगार के तो कर बेकराब मेकअप लगा के रूप हम सबर बेकराब आप लोगों को क्या लगा कि मैं अपने आप को सच में चलाकर मारने वाली हूँ सच में हाँ अभी तो सिर्फ इसमें पानी ही है लेकिन आगे का मुझे कुछ पता ही नहीं अरे इतनी बेइज्जती कराने से तो अच्छा है ना कि मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था आज के बाद मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी बहुत हो गई बेइज्जती जा रही हूं मैं मौसी हमारा देश परंपराओं और संस्कृतियों का देश है यहाँ महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें पूजा जाता है लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं आमतौर पर महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है जो विभिन्न समाजों की बदरंग हकीकत को उजागर करता है घरेलू हिंसा लगभग दुनिया के सारे समाज में मौजूद है पर क्या होगा जब एक महिला घरेलू हिंसा जैसे जघन्य आरोप के आड़ में अपनी विकृत मानसिकता को संतुष्ट करने में जुट जाए यहाँ पर भी मामला कुछ ऐसा ही था प्रज्ञा का उसके ससुराल वालों पर जुल्म बढ़ता ही चला जा रहा था अब सवाल ये उठता है कि अपनी जिद और सनक की वजह से आगे चलकर वो क्या क्या करने वाली क्या त्रिलोकनाथ की चुप्पी उसके और उसके परिवार वालों के लिए घातक साबित होगी आइए देखते हैं ए बुड्ढे तुझे बैठने के लिए किसने कहा चुपचाप वहीं खड़ा रहे क्या ये नमक कहाँ है इसमें मैं अभी डाल देती हूँ क्यों अरे मेरी रहते आप कैसे काम कर सकती है आप तो यहाँ आराम से बैठे हैं हाँ आज तो आपको मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा हाँ मम्मी जी को अपनी प्यारी बहू के हाथ से खाना खाना पड़ेगा हा? मैंने कहा खाओ और कहीं ना मम्मी मम्मी जी आज तो आपको खाना ही पड़ेगा बहू के हाथ से खाना पड़ेगा नहीं खाइए मम्मी तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्या हुआ पापा और पुलिस घर पे क्यों आई है पापा अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो त्रिलोक जी आपकी गिनती शहर के इज्जतदार लोगों में होती है अब आप जैसे लोगों की ही शिकायत आएगी तो फिर वन मिनट कैसी शिकायत ये तो अपनी पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस करने से पहले सोचना चाहिए था आपको
वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली, वरना आपका पूरा परिवार इस समय जेल में होता। और आप भी इंस्पेक्टर, सोच समझ के बोलिए। अभी तो सिर्फ वार्निंग देके जा रहा हूं, अगली बार बात यहां नहीं सीधे थाने में होगी। प्रज्ञा, क्या तमाशा लगा रखा तुमने? अरे शोभित, तुम वापस आ गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में पुलिस बुलाने की? आवाज नीचे! अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो तुम्हारे परिवार वालों का ये हाल है। शोभित सोचो, अगर मैंने कुछ कर दिया तो वो लोग तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे यार, क्या चाहिए तुम्हें? शोभित, अब काफी देर हो चुकी है, और वैसे भी जो मुझे चाहिए होता है वो मैं हासिल करके रहती हूं। करो जो करना है। मेरे जाने के बाद घर में इतना सब कुछ हो गया, और आप लोगों में से किसी ने मुझे फोन करना तक जरूरी नहीं समझा? भैया, मैंने तो बहुत कोशिश की थी, पर पापा ने मुझे हर बार मना कर दिया। लेकिन छोटी। हाँ बेटा, वो सही कह रही है। मुझे ही लगा कि बड़े घर की बच्ची है, इकलौती है, बड़े लाड़ प्यार से पली है, तो थोड़ा समय देंगे उसको तो शायद वो सुधर जाएगी, पर यहाँ मैं गलत था। वो हमसे किसी बात की दुश्मनी निकाल रही है। हाँ बेटा, तुम तो जानते हो कि पूरी जिंदगी मेरी अपने खानदान की मर्यादा और इज्जत के लिए ही गई, पर शायद अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक बचा नहीं। मुझे लगता है कि ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं। पापा। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए। देखो, मैं ससुर जी से बात करता हूं, उनसे कहता हूं प्रज्ञा को यहां से ले जाए। हाँ, लेकिन आप रोइए मत। नहीं, मैं हूं ना। हमने भाई साहब को फोन किया था। भाभी के पापा ने तो उल्टा हमसे ये कहा कि अगर भाभी को कुछ भी हुआ तो वो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। हाँ बेटा, मैंने भी पुलिस इंस्पेक्टर को अप्रोच किया, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। क्या है ना बेटा कि बिना सबूत के हम कुछ प्रूफ भी तो नहीं कर सकते। लेकिन पापा, इस तरह से हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि मैंने अब सोच लिया है कि मैं प्रज्ञा को उसके गुनाह की सजा दिलवा के रहूंगा। जाके उनको बात भी करना ना वहां पे। अरे ससुर जी, आप अभी तक यहाँ? मुझे तो लगा था इतनी जिल्लत सहने के बाद आप तो। जब तक ये परिवार मेरे साथ खड़ा है ना, मैं टूटने बिखरने वाला नहीं हूं। ए बुड्ढे, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेकिन आपको पता है पापा जी, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। भानु, मुझे ना बहुत बोर हो रहा है, जरा वो मेरा फेवरेट गाना तो बजाना। मेरे प्यारे से ससुर जी को पता है कि आपको क्या करना है। अगर मैं चाहूं ना तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में तुम सबको अंदर फंसा सकती हूं। चलो शुरू हो जाओ, तुम सब नाचना शुरू हो जाओ। बेटी, प्रज्ञा, जब तक मैं यहां नहीं था तुमने मेरे परिवार वालों के साथ बहुत जुल्म किया, और अब जब मैं आ गया हूं तो यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। शोभित, शोभित, अच्छा किया कि तुम आ गए। अब इन लोगों के ठुमकों के साथ मुझे तुम्हारा ठुमका देखने को भी मिलेगा। चलो
तुम भी लाइन में लग जाओ। बहू बहू बंदूक नीचे रखो, हम लोग कर रहे हैं ना, तुम जैसा जैसा चाहती थी, जो चाहती थी, हम लोग सब वो कर रहे हैं, बस बंदूक नीचे रखो। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो नाचना शुरू करो। खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी तो हाँ नहीं, दिमाग तेज चलता है तेरे, हाँ वीडियो बना के पुलिस को दिखाने वाली थी। नहीं भाभी, मुझसे गलती हो गई भाभी, गलती है। शोभित, अच्छा तो तुम लोग मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, हाँ ये सबूत है ना जो तुम लोग मेरे खिलाफ इकट्ठा कर रहे थे, ये। अरे ये सबूत तो टूट गया। पापा जी देखिए ना, ये आपका सबूत, ये तो टूट गया। आप मेरे खिलाफ सबूत कहाँ से लाएंगे, हाँ कहाँ से लाएंगे, ससुर जी बोलिए ना। मम्मी जी मैं तो आपकी प्यारी सी बहू हूँ ना, बेटी जैसी है ना, हूँ ना मम्मी जी, बेटी जैसी हूँ ना, है ना, है ना, हाँ। और मेरे प्यारे से पति, मेरे प्यारे से शोभित, एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, अगर मैं चाहूँ ना तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में तुम सबको अंदर फंसा सकती हूँ। सर आप लोग यहाँ पर, मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की। बस कीजिए प्रज्ञा जी, आपका सारा खेल सामने आ चुका है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बात पर यकीन किया और आप टाइम पर यहां आ गए। एक मिनट, ये लीजिए, ये रहा वो सबूत जिसके बारे में मैंने आपसे फोन पे बताया था। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। नहीं देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, चुप है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पूरे परिवार को एक झूठी शिकायत के चलते जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एक ऐसा प्रावधान है जहां घरेलू हिंसा या दहेज जैसी क्रूरता के लिए जब भी कोई मामला दर्ज होता है तो अक्सर पर्याप्त जांच के बिना भी ससुराल वालों की गिरफ्तारी हो जाती है। शिकायत अगर झूठी भी हो लेकिन आरोपी को तब तक दोषी माना जाता है जब तक अदालत में वो निर्दोष साबित ना हो। ऐसे मामलों में पहली सुनवाई हमेशा महिलाओं की होती है और प्रज्ञा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने लिखित शिकायत करवा दी तो शोभित और उसके परिवार वालों को जेल हो जाती और त्रिलोकनाथ की अब तक की बनी बनाई इज्जत हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती और उनके लिए लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। शोभित ने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल किया और सही वक्त पर पुलिस को जानकारी दी और प्रज्ञा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए जिसकी वजह से उसके परिवार पर और उस पर जो जुल्म हो रहे थे उसका अंत हुआ। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि एक और नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।